सारा कुछ डेकोरेशन की, और मैंने देखो इसको कैसे मैंने इसको पेंट कराया। ये हमारा टीवी पैनल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगी क्योंकि गुड इवनिंग हो चुकी है और मैं ड्यूटी से आई हूँ। आज हमारी ब्रीफिंग थी, 26 जनवरी का अरेंजमेंट चल रहा है और लोगों के बहुत दिन से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप दिल्ली पुलिस के क्वार्टर पे रहती हो, हमें भी दिखाओ दिल्ली पुलिस के क्वार्टर कैसे मिलते हैं। तो आज मैं आपको दिल्ली पुलिस के क्वार्टर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि दिल्ली पुलिस के क्वार्टर हमें किस हालत में मिलते हैं। तो दिल्ली पुलिस के क्वार्टर जो हमें मिलते हैं वो इस हालत में मिलते हैं। ये नया क्वार्टर है जो अभी मेरी फ्रेंड को अलॉट हुआ है और अब वो यहाँ आने से पहले ही इसमें पेंट का काम चल रहा है। और पहले से ये देखो ऐसे होता है, ये तो काफी अच्छी हालत पे फिर भी मिले हैं हमें। फर्स्ट ये यहाँ पे वेंटिलेशन है और हर टैप वगैरह यहाँ पे सब कुछ लगी हुई है। इसकी हालत फिर भी बहुत अच्छी है, और की हालत इतनी अच्छी नहीं होती तो इतने अच्छे से नहीं मिल पाते। ये किचन है और इसमें अपना सामान किचन का सब आराम से आ जाता है, और ये स्पेस भी है इधर, आप कुछ रख सकते हो उधर। और ये भैया काम कर रहे हैं, यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है। पहले से ही ऐसा येलो येलो पेंट हो रहा था और अब हम इसका कलर चेंज कराएंगे तो दूसरा वाला पेंट कराएंगे इसमें। और ये पेंटर भैया हैं, पानी पी रहे हैं। और ऐसी हालत में वैसे तो ये पंखे वगैरह और लाइट वगैरह सब कुछ मिला है इसमें लग के, बोर्ड एकदम सही है और लाइट का नीचे से अभी कनेक्शन करवाया है उसने थोड़ी देर पहले तो। और ये इधर बाथरूम एरिया है, वॉशरूम एरिया है, ये सारी चीजें, बाहर का व्यू ये है, मतलब बहुत सही है। टैब नए लगे हुए हैं सारे, प्लम्बिंग में नया हुआ है सारा, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब नया लगा हुआ है। तो ये मेरे घर का मेन एंट्रेंस है, ये गेट है बाहर जाने का, और मेरा घर ऐसी ही हालत में मिला था। और मैंने देखो इसको कैसे मैंने इसको पेंट कराया, सारा कुछ डेकोरेशन की। ये हमारा टीवी पैनल है, टीवी का पैनल मैंने लगाया इधर, लाइट जला लेती हूँ मैं सारी, लाइट नहीं जली हुई थी तो। और ये मैंने अपना मंदिर लगाया है यहाँ पे, ये मेरा मंदिर है और इसकी मैंने डेकोरेशन भी की है। ऊपर मैंने वाईफाई के लिए ये लगवाया है स्टैंड। और ये किचन थोड़ा सा फैला हुआ है आज, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से डेली ड्यूटी आ रही है और टाइम हमें मिल नहीं रहा। और ये मेरी फ्रेंड है और ऊपर वाला फ्लैट इसी का है, इधर देखो उसके घर में काम चल रहा है। और ये सारी डेकोरेशन मैंने खुद कराई है अपने फ्लैट में, तोहफा लिया था। और ये भी एक मेरा गिफ्ट है, ये पेंटिंग, ये स्टिकर्स, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और कुछ मैंने ऑफलाइन परचेज किए थे। और ये जो मुझे सबसे पसंद है मेरा पांडा बहुत प्यारा है ये। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी से आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है 26 जनवरी आने वाली है तो उसके बहुत ज्यादा हैवी अरेंजमेंट चल रहे हैं और अंदर मेरे ज्यादा डेकोरेशन नहीं हो पाई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। दिवाली के बाद में बहुत ड्यूटी आ रही है तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और ये अलमीरा है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने सामान रखा है, ये ड्रेसिंग है और इस पे मैं अपनी यूनिफॉर्म रख लेती हूँ, लगा लेती हूँ। अभी तो सर्दियाँ है ना तो इसलिए थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है, क्योंकि कई कई यूनिफॉर्म होती है सर्दियों में। इधर मेरा वॉशिंग मशीन रखा है, गीजर भी मैंने लगवाया था, पंखे और लाइटें वगैरह मुझे खुद लगी हुई मिली थी। घर बाकी बहुत अच्छा है, सारा काम रेडी मिला था मुझे, ऐसे मुझे कुछ कराना नहीं पड़ा इसमें, बस सामान लाया मैं, सामान लिया है मैंने और ऐसा कुछ भी मुझे करना नहीं पड़ा। इधर मेरा टीवी पैनल है और ये एरिया बहुत ज्यादा सबसे प्यारा एरिया मेरे घर का यही है। यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना और टीवी देखना बैठ के सोफे पे, सामने बिल्कुल मेरा सोफे के टीवी लगा हुआ है और मैं इधर बैठ के मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि जब क्वार्टर हमें मिलते हैं तो उनकी हालत क्या होती है और जब मिल जाते हैं और उसके बाद में हम उनको क्या से क्या कर सकते हैं। तो मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोर किया है और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करे, कमेंट करे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ड्यूटी से आने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ और आपके लिए ब्लॉग बनाना था मुझे टाइम से, इसलिए मैंने ड्यूटी के आने के बाद ब्लॉग बनाया। और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।